Harendra Singh, who has coached both the Indian men's team and the women's team in the past, has praised the Rani Rampal squad lavishly for their effort of qualifying for the 2020 Tokyo Olympics. With India's 2016 Rio medals from PV Sindhu and Sakshi Malik, the two women who brought glory from the Olympics, Singh believes more focus should be given to women athletes as he feels girls can bring home more Olympic medals. मैं इसको दो चीजों में देखता हूँ. हमें इस चीज को नहीं भूलना चाहिए कि 1928 से लेकर 2020 तक पहली बार वुमेन्स टीम ने अपने बलबूते पे क्वालिफाई किया है. 1980 में क्वालिफाई किया था बिकॉज ऑफ द बाइकॉट ऑफ द यूरोपियन संघ को लेकर. यूएसए ने बाइकॉट किया उस ओलंपिक को. टीमें चाहिए थी तो इंडिया को बुलाया गया था. इट वाज नॉट वी क्वालिफाई फॉर दैट ओलंपिक. 2016 में अदर टीम नहीं आई तो इंडिया को मिला चांस क्वालिफाई करने के लिए. ये पहली बार है इंडियन टीम ने क्वालिफाई किया. मेरे को बड़ी ताजुब हुई जब मैंने टीम लिया कि हम सारा फोकस लड़कों पर लगाते हैं. और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तानियों को बताना चाहता हूँ, अगर इंडिया को ओलंपिक में मेडल बहुत जल्दी और ज़्यादा तादाद में चाहिए तो हमें ये फोकस शिफ्ट करना पड़ेगा बॉयज़ से गर्ल्स के साइड में, किसी भी स्पोर्ट्स में. इट्स नॉट ओनली हॉकी. लेकिन अब थोड़ा सा हमारा चेंज माइंडसेट चेंज हुआ है तो उससे बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं. ओलंपिक में जितनी मेडल हैं मेरे ख्याल से लड़कियाँ ज़्यादा ला सकती हैं. इस टीम को जब मैंने लिया